फ्रेंड्स वेलकम टू इन माय चैनल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और आज मैं आपके साथ में एक नई रेसिपी के साथ में मिल रही हूँ। आज हम बनाएंगे आलू पापड़ी। ये मैंने 1.5 कटोरी के करीब आटा लिया है जिससे हम चपाती बनाते हैं। आधा कटोरी करीब बेसन, दोनों को मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम स्वादानुसार नमक, अजवाइन 1 चम्मच के करीब, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और ये कसूरी मेथी, लाल मिर्च जो भी आपके पास हो। और इस आलू को हम ग्रेट करके इसके अंदर मिक्स कर देंगे। पहले हम इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और इसमें 1.5 से 2 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे जिसको मैंने हल्का गरम कर लिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और आलू को भी ग्रेट करके इसका हम डो बना लेंगे। एक मीडियम डो बनाएंगे, ना पतला ना ज़्यादा टाइट। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हो गया है। और ये मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया। अब थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको हम और एक डो तैयार करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा कर घी डाल करके इसको और हम मसल लेंगे 2 मिनट के करीब। और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं हमारे इस डो को देखें। अब हम इसको मसल के और छोटे छोटे लोइयां बना करके रोटी की तरह से पतली बेल लेंगे। आप पतली, अगर मोटी आपको अच्छी लगती तो मोटी बेलिएगा। अगर आप इसको बेलने में आपको लग रहा होगा कि ये नहीं बेल पाएंगी तो हल्का सा आटा लगा करके बेल सकती हैं। अदरवाइज़ आप इसको वैसे ही हल्का तेल लगा करके बेलिएगा और ये अच्छी पतली बन जाएंगी। और फिर इन्हें तल लेंगे। तलने के मैंने ऑयल ले लिया है, इसको गरम कर लेते हैं। और रोटी के आकार की लोइयां लेकर के इसको हम बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ऐसी लोइयां मैंने बना ली हैं। और अब ऑयल इधर गरम करना रख दिया, थोड़ा सा ऑयल इस पर लगा करके और हम इसे बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने इतनी पतली इसको बेल लिया। आप पतली या मोटी जैसी भी चाहें बनाना पापड़ी को आप बना सकती हैं, बस सिकाई में अंतर पड़ेगा। और अब आप कटर है तो कटर से काट लीजिए। मैं इस कटोरी का यूज़ करूँगी और इस तरह से इसको हम दबा करके ये बना लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उस पार्ट को हम फिर से हमारे डो के अंदर चिपका देंगे। और इस तरह से हम अपनी सारी जो पापड़ी हैं उनको बना लेते हैं। और फ्रेंड्स इसको हम प्रिक कर देंगे इस तरह से हम इसको, ताकि ये फूले ना। फ्रेंड्स इधर हमारा ऑयल भी तैयार हो गया है। अब हम इसमें जितनी इस ऑयल में हमारी पापड़ी आ पाएंगी उतनी हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई होने के बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। और गोल्डन ब्राउन करके हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे दूसरी तरफ सिकने के बाद भी। और थोड़ा इस तरह से दबाएंगे। फ्रेंड्स ये दूसरी तरफ से भी देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है। और अब हम इन पापड़ियों को बाहर निकाल लेते हैं।
इसका ऑयल बाहर निचोड़ते हुए सेकेंड लॉट डाल देते हैं और इस तरह से हम अपनी सारी पापड़ियों को बना लेंगे। सेकेंड लॉट भी तैयार हो गया फ्रेंड्स, इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह से हम इन पापड़ियों को सबको बना लेंगे और ये बहुत खस्ता कुरकुरी होती है और टेस्टी, और आप इनको 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं। और आप इसको किसी भी समय, जब भी सुबह शाम जब आप चाहें उस समय इसको खाइए और परिवार को खिलाइए फ्रेंड्स। और यदि आपको मेरी ये बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।